वही राहुल गांधी की न्याय यात्रा मुरैना के रास्ते मध्य प्रदेश पहुंच रही है। आपको बता दें, जहां एक ओर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि न्याय यात्रा के जरिए इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश में मजबूत होगा, वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पराशर ने कहा कि राहुल गांधी देश की अस्मिता पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में राहुल गांधी को ग्वालियर चंबल में अपनी न्याय यात्रा के दौरान सैनिक परिवारों को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। देखिए, भाजपा की सोच सिर्फ सत्ता तक है ना, किसके हाथ सत्ता आई, किसके हाथ सत्ता गई। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के किसानों को न्याय दिलाने की, जो किसान अन्नदाता दिल्ली की दहलीज पर बैठा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून नहीं, आय दुगनी नहीं, कर्ज माफ नहीं, आत्महत्याएं कर रहा है, वो चुनौती दे रहा है उन्हें। और कोर्ट ने यहां तक कह दिया सरकार को कि ये आतंकी नहीं है, अन्नदाता है, गोलियां चला रहे हैं, दो जवान हमारे किसान शहीद हो गए हैं। अग्निपथ में 2 लाख युवा ठेके की नौकरी दे रहे हैं, नहीं स्वीकार कर रहा, पक्की भर्ती मांग रहा है, देश में आंदोलित है, बेरोजगार। बीजेपी का कहना है कि चुनाव में तो कोई असर पड़ता नहीं राहुल गांधी का, नहीं चुनाव पे असर इसलिए नहीं होता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, कोर्ट का आदेश हो गया कि इन पूंजीपति के पैसों से, किन टेरर फंडिंग से, किस नशे के फंड से आप चुनाव लड़ते और जीतते हैं, अब उस पर प्रहार हो चुका है। सो आप चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा लोकतंत्र में, विपक्षी पार्टियों को मिलने के लिए लिखित में समय मांग रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयुक्त के दम पर और धन के दम पर आप सोचते हैं लोकतंत्र जीत पाव पड़े राहुल के, कांग्रेस का पनिया ढार ये सिद्ध हो चुका है। पिछली बार भी राहुल गांधी विधानसभा चुनाव से पहले प्रवेश किए थे मालवा निमाड़ से, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ मालवा निमाड़ में प्राप्त हुई। तो इस नाते तो हम ऐसा मानते हैं कि ग्वालियर चंबल में वो प्रवेश कर रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले, तो हम तो उनको बधाई देना चाहेंगे। कांग्रेस के संपूर्ण अवसान की मनोकामना के साथ आप प्रवेश करिए, आपको बधाई। और राहुल गांधी महात्मा गांधी की इच्छा को पूरा करने का काम कर रहे हैं, इसके लिए भी बधाई। महात्मा जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, वे तो नहीं कर पाए, लेकिन राहुल गांधी जरूर करेंगे। और वो इसलिए करेंगे, ग्वालियर चंबल में राहुल गांधी यानी वो नेता आ रहा है जो कहता है हमारी सेना पिट रही है बॉर्डर पे, वो नेता आ रहा है जिसके लोग कहते हैं कि सेना का अध्यक्ष तो गली का गुंडा है, ये शौर्य की भूमि है, सैनिकों की भूमि है मुरैना, भिंड, ग्वालियर।